स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोग्रामिंग टेक ट्यूटोरियल में। और ये हमारे प्रोग्रामिंग का चैप्टर थर्ड है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रेडियो बटन क्या होता है, रेडियो बटन लिस्ट क्या क्या होता है, क्या काम करता है रेडियो बटन, और रेडियो बटन लिस्ट में क्या डिफरेंस है। प्लस उसके साथ हम पढ़ेंगे पैनल क्या है। तो इसको चलिए देखते हैं, इसका डिटेल देखते हैं और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ाई किया था कि चेक बॉक्स क्या है, चेक बॉक्स लिस्ट क्या है। उसके साथ हमने देखा था कि ड्रॉप डाउन क्या है, ड्रॉप डाउन कैसे काम करता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है। ओके, सो यहाँ पे पहले मैं बता दूँ कि चेक बॉक्स और रेडियो बटन, आप दोनों में कंफ्यूज ना हो, हम मैं इसका डिफरेंस बताता हूँ क्या है। चेक बॉक्स जो होता है, जब आप किसी चीज़ को मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं। वहीं पे जब हम रेडियो बटन लिस्ट का बात करते हैं, तो रेडियो बटन लिस्ट में आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको अलाउड नहीं होता। अगर आप एक को सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा अनचेक हो जाता है। तो रेडियो बटन लिस्ट में ये बेनिफिट है। आप बहुत सारे जगह पे देखेंगे, जब आप किसी चीज़ के फॉर्म भरेंगे या कहीं पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, सो वहाँ पे दिया रहता है मेल, फीमेल या अदर। तो आप किसी एक में ही सेलेक्ट कर पाएंगे। यदि आप एक में सेलेक्ट करके दूसरे को सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे पहले वाला अनचेक हो जाता है, यानी आप जिसको करेंट में आप चेक करेंगे, यानी अभी अभी जिसको चेक किए हैं वही चेक रहेगा और पहले वाला अनचेक हो जाएगा। तो ये हम रेडियो बटन का यूज जो करते हैं सिंगल सिलेक्शन के लिए करते हैं, और चेक बॉक्स का यूज जो करते हैं वो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल में यूज कैसे किया जाता है। सो आज हम फिर से नया प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो हमने आपको तो बताया था कि न्यू प्रोजेक्ट लेने के लिए आपको क्या करना होता है। तो न्यू प्रोजेक्ट लेने के लिए आप न्यू में जाएंगे, यहाँ से वेबसाइट ऑप्शन में जाएंगे। आप वेबसाइट हम अभी वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट में जाएंगे। उसके बाद सॉरी उसके बाद यहाँ पे आप एक एम्प्टी प्रोजेक्ट लेंगे, प्लस आपका जो भी यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे। मैं रेडियो बटन का आपको बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रेडियो कहता हूँ। उसके साथ आप यहाँ पे कहाँ पे सेव करना चाहते हैं वहाँ पे सेव करेंगे। मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ क्योंकि मैं पाथ पहले सेलेक्ट कर लिया हूँ, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, जिसको जो यहाँ पे देखेंगे आपका रेडियो बॉल के एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, जिसके अंदर वेब कॉन्फिग फाइल है। मैंने आपको पहले बताया था वेब कॉन्फिग फाइल के बारे में हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे। सॉरी, तो चलिए हम एक फॉर्म लेते हैं। आप फॉर्म लेने के लिए भी मैंने बताया था कि ऐड में जाएंगे, न्यू आइटम में जाएंगे। आप यहां से एक वेब फॉर्म सेलेक्ट कीजिए, वेब फॉर्म का नाम कुछ भी दे सकते हैं, आप ओके कर दीजिए। ये सभी चीज़ के मैंने बता दिया हूँ। हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं इसका टाइटल मैं यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ, एक हेडिंग में दे दिया हूँ रेडियो बटन लिस्ट, सॉरी रेडियो बटन लिस्ट, और हम जो पढ़ रहे हैं पैनल के बारे में। सो आज ये पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम इसका यूज क्या करना चाहते हैं और क्या यूज करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रेडियो बटन लेंगे। पहले हम रेडियो बटन से चालू करेंगे, उसके बाद हम रेडियो बटन लिस्ट पे आएंगे। तो हम एक रेडियो बटन ले रहे हैं यहाँ पे, आरडी मेल, और यहाँ पे जो लेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे आईडी लिए हैं, तो इसको हम रन सर्वर करेंगे। यहाँ पे हम इसका टेस्ट देंगे, सो मैंने यहाँ पे टेस्ट लिख दिया हूँ।
उसके बाद इसका मैं जैसे कॉपी कर लेता हूँ फीमेल के लिए और एक ऑर्डर के लिए। और मैं इसका आईडी देता हूँ आईडी फीमेल, आईडी अदर्स। आप जब एक प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो देखिए आपका आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले ये मांग रहा है कि आप वेब कॉन्फिग में डिबग करना चाहते हैं कि नहीं, तो मैं डिबग कर देता हूँ वेब कॉन्फिग के साथ। यह फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा समय लेता है लोड होने में, सेकेंड टाइम से ये लोड होने में कोई समय नहीं लेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि हम हेडिंग के लिए H1 टैग यूज किए हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक सिक्स तक टैग होता है जिसको आप अलग अलग फ्रंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे जो भी मैंने हेडिंग यूज किया था वो हेडिंग आ गया है। यहाँ पे मेल है, फीमेल है, अदर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं ये तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये रेडियो बटन है, रेडियो बटन लिस्ट नहीं है। तो अलग, क्योंकि इसमें ये फॉल्ट आती है कि अगर आप यहाँ पे देते हैं मेल, फीमेल और अदर, तो तीनों एक साथ सिलेक्ट होता है। जो चेक्स बॉक्स में भी जो आपको अलाउ हो रहा था, क्योंकि ये अलग अलग कंट्रोल है तो ये अलग अलग काम कर रहा है, एक दूसरे से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसलिए हम लोग इसको ज़्यादातर यूज ना करके, हम लोग यूज जो करते हैं वो रेडियो बटन लिस्ट का यूज करते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा डिस्प्ले करना हो और सिलेक्टेड ओनली वन करवाना हो, तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे रेडियो बटन लिस्ट को लेते हैं, फिर उसके बारे में हम दोनों दोनों कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एचआर टैग दे देता हूँ सेपरेट करने के लिए, एसपी रेडियो बटन लिस्ट आईडी इन्फो रनट सर्वर, और रिपीटेड डायरेक्शन जो हमारा रहेगा और हॉरिजेंटल रहेगा, मैंने आपको बताया था। और अगर आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप रिपीटेड कॉलम कितना चाहते हैं। रिपीटेड कॉलम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे दो रखता हूँ अभी के लिए, और मैं यहाँ पे कंट्रोल जो दूंगा तीन तीन कंट्रोल दूंगा, यानी तीन थ्री वैल्यू दूंगा। तो मेल मेल मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ टाइम बचने के लिए, ताकि हम आगे और भी पढ़ सकें। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। देखिए यहाँ पे आउटपुट मैंने जैसे जैसे पहले आपको बता दूं कि रिपीटेड कॉलम मतलब मैंने दो वहां पे लिया था, तो ये जब टू लिया था, टू होने के बाद ये नीचे से चालू कर रहा है। यही मैं इसको अगर थ्री कर देता हूँ, इसको अगर थ्री कर देता हूँ, यहाँ पे थ्री आ गया। तो आप ये देख पा रहे हैं कि मैं जब एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ दूसरा अनचेक हो जा रहा है, एक को चेक कर रहा हूँ दूसरा अनचेक हो जा रहा है, क्योंकि ये एक ही कंट्रोल है, सिर्फ अलग अलग इंडेक्स है, यानी अलग अलग इसका वैल्यू है। तो इसी को रेडियो बटन लिस्ट कहते हैं। ये रेडियो बटन और रेडियो बटन में डिफरेंस है, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर किसी भी का बात करें या हमारा या आपका बात करें, जैसे मैं मेल हूँ, मैं फीमेल मेल और फीमेल दोनों सेलेक्ट नहीं कर सकता। आप जैसे जो भी है, जो आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो
इसलिए हम यहाँ पे रेडियो बटन लिस्ट का यूज करते हैं। तो इसमें हम देखें, अभी तक देखें कि हम दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का हम डिजाइन कोडिंग कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम इस पे वर्क करके देखते हैं। इसमें भी मैं एक सेम बताऊंगा आपको कि जैसे मैं इस पे चेक करूँ तो इसका वैल्यू मुझे डिस्प्ले होना चाहिए, इस पे चेक करूँ तो इसका वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए, या इस पे चेक करूँ तो इसका वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी बटन सबमिट कंट्रोल को छोड़ के आप किसी और का इवेंट फायर करते हैं तो ऑटो पोस्टबैक ट्रू लगाना होता है आपको। इसको आप याद रखिएगा, अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये फंक्शन आपका काम नहीं करेगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे कोड जनरेट हो गया है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अभी क्या करूँगा कि एक लेवल लूँगा जो मैं जहाँ पे मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो एक्चुअली मैं इसके नीचे मैं एक लेवल लेता हूँ। आप ध्यान से देखिए, समझ में अगर नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर से आपको बताऊँगा एक अलग से वीडियो बना के। एरवियल इन्फो रनेट सर्वर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं इसका आईडी में आईडी का जो इसका इसमें जो टेक्स्ट आएगा वो कहाँ से आ रहा है मेरा, तो हम आईडी इन्फो जो हमारा है उसका सिलेक्टेड आइटम जो होगा उसको वो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अभी कुछ कहीं पे कोई सिलेक्टेड नहीं है, शो नहीं कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे मेल शो कर रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ फीमेल हो जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका वर्क है कि आप रेडियो बटन से आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं कि ओनली वन टाइम में एक आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी अपने यूजर को जब आप कुछ चीज़ प्रोवाइड करेंगे और उसको बोलेंगे कि आप एक ही प्रोडक्ट को एक टाइम में, या आप एक बार अगर कुछ चीज़ को परचेज करना चाहते हैं तो एक बार में एक ही चीज़ को परचेज कर सकते हैं, सो उस समय आप ये कंडीशन को यूज करेंगे। ठीक है, तो आप ये देख लिए कि ये कैसे यूज होता है और ये क्या काम करता है। सो यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा कि मैं तीन इमेज लूँगा और आपको अलग अलग से बताऊँगा कि क्या होता है और कैसे ये काम करता है। तो चलिए हम इमेज लेते हैं। मैंने इमेज को कॉपी कर लिया हूँ और पेस्ट इसको कैसे करना है और कहाँ पे करना है तो आप इस देख लीजिए। आप अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आप एक फोल्डर को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एक फोल्डर ऐड हो गया, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, इमेजेस मैंने दे दिया हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो अलग इमेज दिखे, इस पे क्लिक करूँ तो अलग इमेज दिखे, इस पे क्लिक करूँ तो अलग इमेज दिखे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं तीन पैनल लूंगा, पैनल का यहाँ पे यूज करेंगे। आप डायरेक्टली इमेज का भी यूज कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली इमेज से भी बताऊंगा और पैनल से भी बताऊंगा। ठीक है, सो कैसे इसको यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे अपने कोडिंग में जाकर यहाँ पे जैसे इसको हटाकर या इसको रहने देता हूँ, यहाँ पे इमेज कंट्रोल ले रहे हैं। यहाँ पे जो है इमेज यूआरएल, तो आप यहाँ पे इमेज यूआरएल ले लेंगे जो अगर यहाँ पे जो पाथ आपने लिया है वो पाथ को यहाँ पे ले लीजिए। मैं यहाँ पे तीन पैनल ले रहा हूँ, पैनल वन रनेट सर्वर।
और मैं ये तीन पैनल लिया हूँ। उसके बाद अब मैं इस पैनल में सभी इमेज को पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद मेरा फर्स्ट इमेज वो था, सेकेंड इमेज को मैं यहाँ से लेता हूँ। सेकेंड इमेज मैंने लिया और यहाँ से थर्ड इमेज। आप यहाँ से इमेज का हाइट और विथ कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप लिखिए स्टाइल, स्टाइल मैं इसका हाइट दे देता हूँ जो 150 पिक्सल, और विथ 150 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, सो आप यहाँ पे स्टाइल भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। इसको हम एक्चुअली ये जो आप सी एस एस लिखे हैं, ये अभी मैं सी एस एस लिखा हूँ, तो ये जो सी एस एस होता है वो इनलाइन सी एस एस होता है। इसको इनलाइन सी एस एस होता है। बहुत सारे सी एस एस तीन तरह के होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैं तीनों को आपको अपने सी एस एस का जो ट्यूटोरियल दूंगा उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये शो कैसा कर रहा है और कहाँ पे शो कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं कह चाहता हूँ कि मैं अभी इस पे क्लिक करूँ तो ये फर्स्ट इमेज आए, इस पे क्लिक करूँ तो सेकेंड इमेज, इस पे क्लिक करूँ तो थर्ड इमेज। तो इसके लिए हम अपने कोडिंग में जाएंगे। कोडिंग में जाने के पे हम इसको पहले हम अपने पेज लोड में इस पोस्ट बैक में मैं जो भी तीनों पैनल लिया हूं उसको हम विजुअल फॉल्स करते हैं। ठीक है, अभी ये जो हमारा अगर हम देखें तो पेज लोड जब होगा तो हमारा कोई भी इमेज अभी दिखना नहीं चाहिए। सॉरी, कोई भी इमेज नहीं दिखेगा अभी। अब मैं क्या करूँगा कि आप इसके अंदर में मैं कोडिंग लिखूँगा जिससे मैं उसको एक एक करके डिस्प्ले कर पाऊँ। तो मैं कहता हूँ इफ आर डी इन्फो डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू 0, अगर होती है तो ये शो करेगा। और इसको मैं 3 टाइम कॉपी करता हूँ और यहाँ पे 1 2, और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि फर्स्ट वाला ओनली ट्रू हो और सेकेंड थर्ड फॉल्स हो। यहाँ पे जो है सेकेंड ट्रू होना चाहिए और फर्स्ट और थर्ड फॉल्स होना चाहिए। यहाँ पे ये ट्रू होना चाहिए, थर्ड और सब फॉल्स होना चाहिए। तो ये हमारा हो चुका है। मैं इसको रन करके आपको बताता हूँ कैसा हमारा आउटपुट आता है। तो देखिए, हम इसको क्लिक किए तो ये फर्स्ट इमेज जो है शो कर रहा है और सब हाइड है। सेकेंड ये क्लिक कर रहा हूँ तो यहीं पर ये इमेज शो कर रहा है, और थर्ड ये। तो इसमें आप देखें कि ये जो है रेडियो बटन लिस्ट का काम क्या है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। और ये आपने देखा कि हम पैनल का भी यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे एक पैनल को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, पेज लोड में किसी इवेंट को कैसे बाइंड कर सकते हैं, और यानी किसी किस इवेंट को कैसे हाइड कर सकते हैं, आपने ये देखा। तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि मैं आपको डायरेक्टली इमेज हाइड करके भी दिखाऊंगा बिना पैनल से। तो चलिए पैनल को हम हटा देते हैं। मैं यहाँ पे सभी पैनल को हटा रहा हूँ। सेम चीज है, आप जैसे उसको किए थे आप सिंपल यहाँ पे आप इमेज डाल दे जहां जहां पे पैनल था।
सेम चीज आपको यहां भी करना है। आप सभी इमेज को उठाएंगे, और उसको सही जगह पे पेस्ट कर दीजिए। अभी क्या होगा कि हम लोग पैनल यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इमेज टेक्स्ट इमेज यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी आपका जो आउटपुट होगा वो सेम ही आउटपुट होगा। इसमें भी ऐसा नहीं कि आपको कोई और आउटपुट मिलेगा, आपको भी सेम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आपने देखा कि हम इमेज को कैसे हाइड कर सकते आपने देखा कि हम इमेज को कैसे हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ सीखेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साइड में बेल आइकन दिए गए हैं उनको प्रेस करें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो हम हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।